कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो करंट अफेयर हैं 28 अगस्त के, उसके बारे में। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप एसएससी, रेलवे और दिल्ली पुलिस और जो मध्य प्रदेश की व्यापम की एग्ज़ाम होने वाली हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला, बांग्लादेश की सरकार प्रीतिलता वडेदर की जीवन पर फिल्म बना रही है। तो प्रीतिलता एक क्या थी? तो दोस्तों, प्रीतिलता जो है क्रिकेटर थी। बांग्लादेश सरकार प्रीतिलता वडेदर जो प्रीतिलता वडेदर जो है उनके जीवन पर एक फिल्म बना रही है। तो प्रीतिलता क्या है, सॉरी क्या थी? तो ये क्रिकेटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का चिकित्सा शिक्षा का सर्वोच्च नियामक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आया, जिसे NMSC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो दोस्तों, इसका आंसर है सुरेंद्र चंद्र शर्मा। सुरेंद्र चंद्र शर्मा को NMSC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सौभाग्य योजना ने शुरू होने के 3 साल पूरे किए, सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जो सौभाग्य योजना है वह सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने FAME II योजना के तहत देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कितने इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर 670 जो बसें हैं इलेक्ट्रॉनिक और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, स्टेनली जलाशय तथा मैटूर बांध में जल स्तर 100 फीट तक पहुँच गया है। स्टेनली जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। स्टेनली जलाशय, तो स्टेनली जलाशय हैं जो कावेरी नदी पर स्थित हैं और इसे मैटूर बांध भी कहा जाता है। इसका जल स्तर 100 फीट तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और बिहार की विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, 243 जो बिहार की विधानसभा सीटें हैं वह है 243। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप जो मध्य प्रदेश की व्यापम की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विभिन्न कार्यों के लिए तैनात किए गए 15 हाथी इन दिनों एक अनोखे सप्ताह पिकनिक पर है। तो यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो उमरिया जिला है वहाँ पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट, नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है IFFI का 51वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये है गोवा में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो आयोजन है वह उसका 51वां संस्करण जो है भारत के गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने छात्रों को सीखने, कैरियर परामर्श, रोजगार में मार्गदर्शन करने के लिए हाल ही में एक एकीकृत पोर्टल YouRaiz शुरू किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने छात्रों को सीखने, कैरियर परामर्श और रोजगार के मार्गदर्शन करने के लिए हाल ही में एक एकीकृत पोर्टल YouRaiz शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक शहरी सरकारी बैंकों जो है UCB के सामने आने वाले साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए किस नाम से 5 स्तंभ वाले रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ सामने आया है? तो इसका आंसर है GUARD। दोस्तों, GUARD जो है रिजर्व बैंक शहरी बैंकों UCB के सामने आने वाले साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए जो 5 स्तंभ वाले नीतिक दृष्टिकोण के रूप में सामने आया है। नेक्स्ट, कौन सा बैंक सेफ पे एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा लॉन्च करेगा? तो यह है IDFC। जो IDFC फर्स्ट बैंक है यह सेफ
पे एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड भुगतान सुविधा लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI ने शहरी सरकारी बैंकों UCB के लिए बैंकों के किस समूह हेतु साइबर सुरक्षा विजन फ्रेमवर्क जारी किया है, तो ये है शहरी सरकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, WPP द्वारा और कैंटर द्वारा जारी की गई 2020 ब्रांड जेड शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की रैंकिंग में भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में किसे शामिल किया है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर है HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राज्यों को COVID-19 से लड़ने हेतु राज्यों की आपदा प्रतिक्रिया कोष जो है SDRF का कितना प्रतिशत खर्च करने की अनुमति दी है, तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को COVID-19 से लड़ने हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 50% खर्च करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट, क्लिकर्स ग्रुप के साथ किस बैंक का विलय होने जा रहा है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये करंट की अपडेट है, और क्लिक्स ग्रुप के साथ किस बैंक का विलय होने जा रहा है, तो यह लक्ष्मी विलास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब एवं महाराष्ट्र सरकार जो है PMC बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है AK दास। AK दास को पंजाब व महाराष्ट्र सरकारी बैंक के नए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। HDFC, नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC लाइफ ने बीमा पॉलिसियों को बेचने हेतु किस कॉरपोरेट एजेंसी जो है CA के साथ साझेदारी की है, तो यह है येस बैंक। के साथ HDFC लाइफ ने बीमा पॉलिसियों को बेचने हेतु कॉरपोरेट एजेंसी अरेंजमेंट CA के साथ साझेदारी की है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन जो है SUTD के सहयोग से इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है IMD द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है, तो यह है सिंगापुर। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।